मतलब मैं कहाँ पे देखा आपने मुझे? आपने दिल्ली में आप घर गए ना? हाँ वृंदावन घूम के आए थे। वृंदावन, अरे अरे वाह, आज पहली बार मिले कोई आप। गाइस, जो भी मसूरी आना तो दलाई हील आए बिना मत जाना। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। तो कैसी हो मेरी प्यारी ऑडियंस? तो गाइस, इस समय मैं हूँ मसूरी में, जो कि देहरादून से तकरीबन 30 किलोमीटर की दूरी पर है। और अभी फिलहाल मैं आया हूँ कंपनी गार्डन घूमने। तो आओ, आज पूरा दिन मसूरी घूमेंगे। और ये देखो, कुछ इस टाइप का गार्डन है और यहाँ पे सारा कंपनी का सामान मिलता है, इसलिए इस जगह का नाम है कंपनी गार्डन। भैया, यहाँ पे कौन सी कंपनी का सामान मिलता है? लाइटर कंपनी का। हो, ये सारा A to Z कंपनी का है, कोई भी वो नहीं है लोकल। अच्छा, तो आओ चलो थोड़ा अभी यहाँ पे पार्क घूमेंगे। पूरा ये गार्डन है बहुत बड़ा सा और यहाँ की टिकट है 25 रुपए की। यहाँ पे अंदर आते ही आप लोगों को कुछ इस टाइप के यहाँ पे फोटोग्राफर मिल जाएंगे। और यहाँ पे फूल तोड़ना मना है, फूल तोड़ते ही 500 रुपए का जुर्माना। हेलो भाई, फूल तोड़ने पे 500 रुपए की जुर्माना है? ओके। और ऐसे कह रहे हैं यहाँ पे अगर फूल ऐसे रोड पे जमीन पे पड़ा रहेगा ना, उसको लेके हाथ पे भी नहीं घूमना। अगर हाथ पे घूमते हुए अगर आप दिख गए तो फिर 500 रुपए का जुर्माना तब भी है आपको। ओ भाई, यहाँ तो हॉन्टेड हाउस भी है। देखो गाइस, हॉन्टेड हाउस, ये देखो भाई, ये है हॉन्टेड हाउस। ओ भाई, तो इसमें से ना आवाज आ रही है डरावनी डरावनी। 200 रुपए की टिकट है यहाँ पे लग रहा है। देखो भाई, यहाँ पे कुछ इस टाइप की नर्सरी है और यहाँ पे ये सारा शो के लिए है, मतलब आप खरीद नहीं सकते। ओ भाई, बहुत सुंदर है। अब पता है, काफ़ी दिनों से ना मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, मतलब भाई 10 दिन हो गए पूरे, तबीयत एकदम ख़राब है। सर दर्द है, बुखार है, जुकाम है, अभी भी जुकाम है। देखो ऐसे कर रहा हूँ मैं। और ये देखो कुछ इस टाइप के यहाँ पे, ये क्या है? ये इसे कहते हैं जुगाड़बाजी। ये जो बेल होती है ना, जैसे बेल आती है तो उससे पूरी गाड़ी को ढक रखा है। देखो, वाह। ये देखो गाइस, कैटस, ये मैंने सिर्फ फिल्मों में देखे, आज तक हकीकत में कभी नहीं देखा। कुछ इस टाइप का होता है इसका पेड़। ये देखो बाय गाइस, ये है वैक्स म्यूजियम। और यहाँ की कितने की टिकट अंकल? 118 रुपए की। अच्छा, ऊपर मतलब अच्छा है, सुंदर है। ओके ओके, कुछ इस टाइप का है। ठीक है ठीक है, ये सब वैक्स के बने हुए हैं। अच्छा, वैक्स के बने हुए हैं। ठीक है ठीक है, मतलब नकली बने हुए हैं, पुतले हैं। ये पुतला है ना? अच्छा 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 अच्छा, बड़े बड़े लोगों के नकली नकली पुतले हैं, जैसे अमिताभ बच्चन हो गया, अक्षय कुमार हो गए, मदर टेरेसा। ओके 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 ओके, ठीक है, थैंक यू आंटी, थैंक यू। तो कुछ इस टाइप का है, हाँ जी यूट्यूब चैनल है। तो कुछ इस टाइप का अंकल ने बताया, अंदर बड़े बड़े लोगों के पुतले हैं। 118 रुपए की टिकट है, आप जा सकते हो। तो मैं नहीं जाऊंगा, मैं पैसे नहीं खर्च करना पसंद करूंगा यहाँ पे। नहीं, आपसे पूछ लिया, आपसे नॉलेज मिल गई बस। अभी मैं जब सुबह आया था बहुत ज़्यादा ठंड थी, अब ठीक ठाक है, अब ज़्यादा ठंड नहीं है, बस हाथ थोड़े ठंडे हैं। भाई, ये बंदूक वाला गेम कितने का खिलाते हो? 50 रुपए के। क्या? 10 शॉट। 10 शॉट लग गए पूरे तो क्या इनाम है? एंजॉयमेंट नहीं होता भाई। अच्छा, बस इनाम नहीं है कुछ? अरे ये देखो गाइस, 850 रुपए का, ये देखो, ये 850 का और ये है 750 का। वाह यार वाह। और बाहर से कुछ इस टाइप का गेट है, आप यहाँ से टिकट ले सकते हो, 25 रुपए की टिकट। अगर आप 30 रुपए देते हो तो आपको 5 रुपए एक्स्ट्रा खुले नहीं दिए जाएंगे, उसके बदले चॉकलेट थमा दी जाएगी आपको। वाह। तो गाइज़, यहाँ पे एक बुद्धा गार्डन है, अभी फ़िलहाल मैं वो देखने जा रहा हूँ। और गाइज, थैंक यू सो मच, 1K मतलब 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए, ये। अरे एक वीडियो, आपने मुझे पहचान लिया? हाँ, आप लाइव बैठे थे। अच्छा अच्छा अच्छा, अरे वाह, मतलब मैं कहाँ पे देखा आपने मुझे? आपने दिल्ली में आप घर गए ना? हाँ, वृंदावन घूम के आए थे। वृंदावन, अरे अरे वाह, आज पहली बार मिले कोई, आप मिले मुझे। ओ वाह, शुक्रिया, बहुत खुशी हुई। बद्रीनाथ घूम कर आ गया मैं। आपने वीडियो डाली थी? हाँ जी हाँ जी। तो गाइस देखो, पहली बार मुझे कोई मिला है, बहुत खुशी हो रही है। थैंक यू सो, आप पहले हो, आप वीडियो देख लेना, पहले बंदे आप हो, मतलब जब से चैनल स्टार्ट किया ना पहले आप ही हो, तो ठीक है, यादगार रहेगा, पहली बार कोई मिला। हाँ जी, थैंक यू भैया, बहुत खुशी, मुझे तो बहुत खुशी हो रही है। भैया तो भी कहीं 2-3 दिन पहले लाइव देखे थे, कहीं बैठे हुए। अच्छा, वीडियो भी देखी थी। हाँ जी हाँ जी हाँ जी भाई, बहुत खुशी हो रही है, पहले मतलब सब्सक्राइबर, जिंदगी में पहली बार मैं इतना फेमस हो गया, मुझे नहीं पता था। तो खुशी के मारे मैं इस खंबे से चिपक रहा हूँ, इतनी खुशी मुझे कभी नहीं हुई यार, आज पहली बार।
तो चलो आओ यहाँ बुद्धा गार्डन घूमते हैं, ये कुछ इस टाइप का जाने का रास्ता है यहाँ से। तो गाइस ये है मसूरी में बुद्धा टेंपल, और मैं पहली बार बुद्धा टेंपल में जा रहा हूँ, और वो भी मसूरी में कुछ इस टाइप का टेंपल है। ओ वाह बड़ा सुंदर है यार, पहली बार देख रहा हूँ, आज तक मैंने सिर्फ ऐसा टीवी में देखा है, हकीकत में कभी नहीं देखा। और यहाँ से आपको मसूरी के व्यू दिखेंगे, देखो कुछ इस टाइप का यहाँ से व्यू पॉइंट है पूरा। वाह ऐसा टेंपल होता है बुद्धा टेंपल, और अंदर शायद वीडियो अलाउड नहीं होगी, बाहर बाहर से मैं आपको दिखा देता हूँ। तो गाइस फिलहाल मैं अभी मंदिर के दर्शन कर आ गया हूँ। तो गाइस जो भी मसूरी आना तो दलाई हिल आए बिना मत जाना, बहुत ज्यादा सुंदर है यार, सुपर है। तो यहाँ पे आपको गौतम बुद्ध की मूर्ति देखने को भी मिल जाएगी, आसपास कुछ इस टाइप का लोकेशन देखने को मिल जाएगा, और सच में यार बहुत ज्यादा सुंदर है। बर्फ गिरती है यहाँ पे। हाँ कब? फरवरी के टाइम पे। अच्छा फरवरी के टाइम पे यहाँ बर्फ गिरती है। जी नीचे मिले थे ना, बहुत अच्छा लगा। कैसे ये नहीं नहीं मैं तो काफी देर से आया हुआ हूँ, आधा एक घंटा हो गया। अरे मतलब कैसी लगी जगह, कैसी लगी? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे जरूर आ रहा है कि जगह बहुत ज्यादा सुंदर है भाई, यहाँ पे अति सुंदर। Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Too many things going on, I can't keep track of them all. From people dropping a bomb to people putting up walls. I feel... तो गाइस इस समय मैं खड़ा हूँ लाल टिब्बा में, जो कि मसूरी की सबसे फेमस जगह है, और यहाँ से हिमालय दिखते हैं, गंगोत्री के पहाड़ दिखते हैं, और केदारनाथ के भी पहाड़ दिखते हैं। लेकिन है ना अभी फिलहाल बादल है जिस कारण है ना दिखेंगे नहीं इस समय। और ये देखो यहाँ पे एक लाल टिब्बा नाम से कैफे भी है, के ऊपर जाने की चार्जेस है 50 रुपये, और वहाँ पे एक दूरबीन लगी है जिससे आप सामने का नज़ारा देख सकते हो, और यहाँ पे शाम को सनसेट भी दिखता है, तो बहुत अच्छा है। और इसी जगह को बस लाल टिब्बा कहा जाता है, ये जो जगह है ना इतनी सी, बस ये है लाल टिब्बा, और यही है मसूरी में सबसे ज़्यादा फेमस। गूगल पे भी मैंने पूछा था तो यही सबसे ज़्यादा फेमस थी। ये देखो यहाँ पे बस ज़्यादा कुछ नहीं है, बस इतना सही है, ये किधर कैफ़े बना हुआ है, एक सामने कैफ़े बना हुआ है, उन्होंने लाल टिब्बा के नाम से अपने कैफ़े का नाम रखा हुआ है, और यही है ये सब है। जब बादल हट जाते हैं ना तो कुछ इस टाइप का व्यू दिखता है पूरा, वो सामने वो देखो। तो बस गाइस ये सब जगह है, अब यहाँ से चलते हैं। बस मैं यही देखने के लिए आया था कि भैया बहुत ज़्यादा फेमस है, आखिर है क्या। फिलहाल कुछ लोगों से मैंने सुना था बहुत बड़ा बाजार है, लेकिन यहाँ तो कुछ भी नहीं है, तो यही सब है, छोटा सा पॉइंट है, व्यू पॉइंट है। यहाँ से जब बादल हट जाएंगे तो आपको बहुत अच्छा सुंदर नज़ारा दिखेगा, तो यहाँ पर भी ज़रूर आना आप सब अगर कभी मसूरी आते हो तो। थैंक यू अंकल, आपने इन्फॉर्मेशन दी, बहुत अच्छा लगा। क्या जी क्या नाम है आपका? फोटोग्राफी के लिए, मेरे से फोटोग्राफी। अच्छा आप यही लाल टिब्बा में रहते हैं? अच्छा अच्छा आप पूरा दिन यही फोटोग्राफी करते हैं? ओके आप यहाँ के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? हिमालय दिखाई देता है, बहुत प्यारा हिमालय दिखाई देता है। ओके अभी तो फिलहाल बादल है, हाँ हल्का हल्का तो दिखाई दे रहा है, वो गोप्रो में नहीं दिखाई देगा मेरे। तो ठीक है बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। अच्छा फोटोग्राफी, आप यहीं पे पूरा दिन यहीं रहते हो? ओके चलो थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, अच्छा लगा, थैंक यू। तो गाइस अभी फिलहाल बहुत ज़्यादा थक गया हूँ मैं, इतनी दूर गया, इतनी दूर से आया, यहाँ से गांधी चौक है इस जगह का नाम, यहाँ से 5 किलोमीटर है, और फिलहाल मैं बहुत दूर से मैं उधर गया, उधर देख कर फिर मैं इधर आया, बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ, अब एनर्जी नहीं है मेरे अंदर, अब कुछ खाएंगे चल के, चलो खाते हैं कुछ। और यहाँ पे एक कैफ़े है, चलो यहाँ पे देखते हैं कुछ खाने को मिल जाए। हेलो कैसे हो? पनीर पिज़्ज़ा 50 रुपये का है, ये 50 रुपये का है भैया, एक सेकेंड, ये पास्ता पिज़्ज़ा है कितने का है? ये 50 रुपीज़ का, ये दे देंगे, अंदर बैठ जाओ। ठीक है थैंक यू। और यहाँ पे गाने चल रहे हैं, कॉपीराइट्स क्लेम आ जाएगा 2 मिनट में। भैया पास्ता वेज है ना? ठीक है ठीक है, थैंक यू सो मच भैया, थैंक यू। तो ये आ चुका है हमारा पिज़्ज़ा, अब इसको फटाफट खाते हैं, फिर अपनी शक्तियों को जागृत करते हैं, फिर यहाँ से चलते हैं। Place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Too many things going on, I can't keep track of them all. From people dropping a bomb to people putting up walls. I feel like life is on hold, perception stuck in a vault. I know that time can heal all, but how much time till we fall? It's awfully chilly outside when there's no shelter. तो ये देखो बस यही सब है, और यहाँ से बहुत अच्छा नजारा दिख रहा है।
तो यहाँ पे बहुत सारी कमाल कमाल की दुकानें हैं, शॉपिंग के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। बस गाइस आज की वीडियो में इतना ही था। आज हम पूरा दिन मसूरी घूमे और अब मैं जा रहा हूँ देहरादून, क्योंकि मैं देहरादून में रुका हुआ हूँ ना, तो यहाँ से देहरादून की टिकट है 80 रुपये के लगभग, लगभग नहीं 80 रुपये ही है। तो बस इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करता हूँ देहरादून मसूरी में। तो बस आज मैं बहुत ज़्यादा थक गया और बस पकड़ के सीधा जाऊँगा, 1-1.5 घंटा लगेगा मुझे अपने अड्डे पे पहुँचने के लिए जहाँ मैं रुका हुआ हूँ। तो बस आज की वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं अगली वीडियो में। और वीडियो कैसी लगी तो बताना, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करके जाना, चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। हाँ बिल्कुल भैया, आ जाओ आ जाओ। तो भैया मिले हैं, तो भैया क्या नाम है आपका? विजय। विजय भाई, तो विजय भाई मिले, बहुत अच्छा, थैंक यू, बहुत अच्छा लगा। तो वीडियो पसंद आई तो लाइक कमेंट, बाय 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 बाय, चैनल अच्छा लगे सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, बाय।